बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित भारत कौशल कुकिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई की छात्रा अवनी पाटिल ने जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। अवनी आगामी दिनों में विश्व स्तर पर आयोजित होने वाली कुकिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। जीत कर भिलाई लौटने पर अवनी का स्वागत सम्मान भव्यता से किया गया। एजुकेशन हब भिलाई में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खेल, शिक्षा, सौंदर्य या अन्य प्रतिस्पर्धा हो, भिलाई का नाम सामने आ ही जाता है। अब भिलाई के अध्याय में पाक कला का भी नाम राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने लगा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई की अवनी पाटिल ने देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों आयोजित भारत कौशल कुकिंग प्रतियोगिता में अपनी पाक कला का जौहर दिखाकर न सिर्फ जीत दर्ज की है बल्कि गोल्ड मेडल पर कब्जा भी जमाया है। भिलाई हुडको की अवनी पाटिल के दिल्ली से जीत कर लौटने पर भव्य स्वागत सम्मान रेलवे स्टेशन पर किया गया। वहीं हुडको वासियों ने चौक पहुंचने पर अवनी का स्वागत कर उत्साह बढ़ाया। अवनी ने अपने अनुभव ग्रैंड एशियन न्यूज से साझा किए। मैं अपना अनुभव किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इट्स टू वे टू ओवरवेलमिंग। तैयारी तो अभी और शुरू करनी है, तैयारी है लेकिन और तैयारी करनी है। अभी 8 महीने और तैयारी करनी है शंघाई के लिए। इस दौरान आपको ऐसा कौन सा मोमेंट लगा जो कि यादगार था और आपको इस लाइन पे और आगे लेके जाए? जब मैंने वहाँ पे स्टेज पे मेडल लिया वो मेरे लिए बहुत बेस्ट मोमेंट था। तैयारी तो है अभी और तैयारी करनी है मुझे। अभिलाय दुर्ग की जो छात्राएं हैं उनको क्या कहना चाहिए? बस मैं चाहती हूँ मेरी तरह और भी आगे लड़कियां आए और मैं चाहूंगी कि मैं उन्हें खुद ट्रेन करूं और आगे इस कंपटीशन के लिए भेजूं। आई एम जस्ट होपिंग दैट आई गेट अ मेडल इन शंघाई ऑल्सो। माई फर्दर एंड फ्यूचर गोल इज टू गेट अ मेडल फॉर द नेशन। और इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है अगर मैं इंडिया के लिए मेडल ले आऊँ। वहीं अवनी के माता पिता ने इसे गौरव का विषय बताया व पालकों से अपील की कि बच्चों का रुझान जिस ओर हो उन्हें आगे बढ़ाने उस ओर उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए। साथ ही क्षेत्रीय पार्षद सीजू एंथोनी ने बधाइयां देते हुए इसे भी गौरव का विषय बताया। ये हमारी हुडको की बिटिया है, लाली बिटिया है, अनिल बेटी की बिटिया अवनी पाटिल, जो कुकिंग में नेशनल लेवल में फर्स्ट आई, गोल्ड मेडल मिला उनको। हम छत्तीसगढ़ वालों, खासकर बिहार वालों की गर्व की बात है। इतने बड़े जगह पहुंच के हम लोग का सम्मान वाली बातें हुडको के लिए, तो हम सब स्वागत के लिए पहुंचे हैं जी। मेरे को क्या कहूँ, मेरे को शब्द नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी मेरे को ये है कि मेरी बेटी भारत के लिए कुछ करेगी और इसकी सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है। और मैं बाकी सभी अभिभावकों को कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जिस क्षेत्र में रुचि है, मेरी बेटी ने एक अनोखा क्षेत्र चुना था वो हम लोग के लिए, और उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आज का दिन हमारे लिए वो सफल हो गया कि हमारे अपनी बेटी को अलग क्षेत्र में पढ़ाई के लिए भेजा। तो इससे मैं बाकी सभी पालकों को संदेश देना चाहती हूँ कि चाहे अपने बेटा रहे बेटी रहे, उनकी रुचि के अनुसार उनको अपना क्षेत्र चुनने का अवसर जरूर प्रदान करें। तो केवल अपना नहीं, माता पिता का नहीं, समाज का नहीं, तो हमारा देश का नाम रोशन करें। बचपन से कहना चाहिए, जो छोटे बच्चे होते हैं खिलौने खेलते हैं, तब से मेरे बेटी को खाना बनाने का बहुत शौक रहा है और ख़ास तौर पर पूरन रोटी उसको बहुत पसंद है। और ऐसी कई चीज़ें जिसको छोटे बच्चे नहीं भी बना पाते लेकिन वो हमेशा प्रयासरत रहती है कि वो उसको बनाए और बेहतरीन प्रस्तुत करे। मैं तो बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। अभी आगे का समय बहुत कठिन है उसके लिए। अभी 8 महीने की ट्रेनिंग बहुत कठिन रहेगी उसको। 4 महीना वाक्सा में रहेगा मैंगलोर में, और 2 महीना सिडनी रहेगा, 2 महीना जर्मनी रहेगा, उसके बाद वो शंघाई जाएगी। वही सभी लोग अपने बच्चों को अपनी रुचि के हिसाब से ही आगे पढ़ाए, ज़बरदस्ती उनके ऊपर मेडिकल और इंजीनियरिंग का लोड ना दें। इसको शुरू से ही शौक था 9th से कि मेरे को मतलब अलग जगह जाना है, मेरे को होटल मैनेजमेंट करना है, खाना है वही का। गोल्ड मेडल पाक कला के लिए जीतकर अवनी काफ़ी खुश नजर आई। यहाँ हम आपको बता दें, अवनी आगामी दिनों में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेगी और देश का नाम रोशन करेगी।
ग्रैंड एशियन परिवार भी अवनी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ढेरों शुभकामनाएं देता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।